24 घंटे पानी देने का प्रोग्राम 10 साल से बोलते आ रहे हैं, 10 साल से हो रखने हो। मैं जीत के आया तो 3 साल के अंदर हर घर को नल का पानी आपको जो है 24 घंटे देने का काम करेंगे इंशाल्लाह। औरत मर्द नहीं, औरत अल्हम्दुलिल्लाह अगर सियासी है, मुस्कान जैसा जज्बा रखती है, चाइन बाप के हमारी माँ और बहनों के जैसा जज्बा रखती है तो आगे बढ़े। इनके पास कोई सियासी समझ नहीं है, कोई सियासी ताकत नहीं है, बात करने की हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है। ऐसे लोग को साथ देना आज मिल्लत के खिलाफ नाइंसाफी है, मुसलमानों के खिलाफ आपका वोट जाने वाला है अगर आप वोट मोहतरमा को देंगे। फैसला ये बात को साबित करेगा कि हम मुस्लिम यहाँ के खयादत की तरफ तवज्जो देते हैं या पार्टियों की तरफ। और अगर हम ये फैसला ले लेते हैं कि हम खयादत के साथ हैं, हमारे बीच में से एक मजबूत खयादत आगे बढ़े, तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ के आसपास के पूरे इलाके जो हैदराबाद कर्नाटक के बिलखसूस इलाके हैं, जहाँ पर 40 सीटें हैं और 40 सीटों में से सिर्फ 2 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम जीत कर आया है, और ये तमाम तर इलाके के लोगों के तहफ्फुज़ के लिए अगर कोई बात करता है और पूरे रियासत के मुसलमानों के लिए कोई बात करता है, तो सबसे पहले आवाज़ गुलबर्गा शहर से उठती है, गुलबर्गा की इस सीट से उठती है। अगर मिल्लत से मिल्लत के हक़ में बात करने वाला कोई हमारे बीच में मौजूद नहीं रहेगा तो सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों को और हम लोगों को होगा। कांग्रेस पार्टी का एक शगुफा है, जो शगुफा ये है कि 200 यूनिट बिजली और 2000 रुपये पहुँचाए जाएंगे आप लोगों को। कब पहुंचाए जाएंगे वो, कब पहुंचाए जाएंगे, मैं आप लोगों से पूछता हूं। कौन जीत के आना चाहिए? कनीज फातिमा मैडम के जीत हार से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक कांग्रेस पार्टी का वादा है। गारंटी कार्ड कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है। हम मुसलसल देख रहे हैं कई इलाकों में जाकर वो लोग डॉक्यूमेंट्स तलब कर रहे हैं, आपका आइडेंटिटी कार्ड तलब कर रहे हैं। भाई जब हम लोगों ने शहरियत का जब मामला हुआ तो एक नारा लगाया था, कागज नहीं दिखाएंगे तो हम पार्टी पे कैसे एतमाद कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे दे सकते हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी का जीरोक्स आप लोग कैसे दे सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारी जो MLA साहिबा हैं वो बस अपने करीबी और आतराफ के लोगों को ही वो लोन पहुँचाई है, और एक एक घर में 10-10 लोनों को पहुँचाई है। 25,000-50,000 के जो लोन होते हैं वो उन तक उनके घरों तक पहुंचाए गए हैं। मगर आप लोग जो जद्दोजहद कर रही है, आप लोग जो रोजगार हासिल करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? वो आप लोगों को इस किस्म के प्रोग्राम्स की जरूरत है जो डायरेक्ट सीधे सीधे आप तक पहुंचे। सिवाय आज की तारीख में गुलबर्गा और गुलबर्गा के आतराफ के इलाके में नासिर हुसैन उस्ताद साहब के अलावा कोई और ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो मिल्लत के हक में बात करता है। आपके हक की लड़ाई लड़ने वाला मौजूद है, अब इसका आपको साथ देना है, किसी का नहीं। अल्लाह को गवाह बनाकर आपको हक करना है। क्या हमारे अफजाल महमूद ने आपको पूरा बताया होगा, हालात से वाकिफ कराया होगा। मैं एक मौलाना हूँ, मेरा काम है सही रहनुमाई, सही रहबरी करना। तो तुम्हारी इज्जतों का मसला, तुम्हारे विकार का मसला, तुम्हारे पर्दे का मसला, तुम्हारे जो है तशक्कुस का मसला आ गया है। अब हमें नालियाँ रोड वगैरह नहीं देखना है, अपनी इज्जत देखना है। अल्लाह का फरमान जो 5 वक्ता अजान की शक्ल में मस्जिदों से होता है उसके खिलाफ भी बोला जा रहा है। कल ही एक शख्स ने कहा कि अजान की आवाज़ से मुझे तकलीफ होती है। आप सोचिए कहाँ तक अजाइम, कहाँ तक उनके इरादे बढ़ गए हैं। तो इसलिए हमें मरकर खुदा को जवाब देना है, हमारे इस्लामी हुकूक की हिफाजत के लिए, हिंदुस्तान में भाईचारे को बाकी रखने के लिए, हमारी माँ बहनों की इज्जत और उनकी पर्दादारी के लिए। ऐसे बेबाक, निडर, बहादुर जो ऐवान असम्बली में आपके हक को मनवाने वाले के लिए आपको वोट करना है, आपको मजबूती से ठहरना है कि वहाँ असम्बली में जब भी मुसलमानों की खवातीन बच्चों के लिए रोजी रोज हमको कोई चीज़ नहीं मिलने वाली है फ्री में, मगर हमारी इज्जत व मानूस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मर्द चाहिए जो मजबूत चाहिए, जो हमारी बात करने वाला है। जब तक हम इनको खयादत नहीं सौंपेंगे, खयादत नहीं मिलेगी। ताकत देने वाले आप हैं, साथ देने वाले नासिर हुसैन साहब उस्ताद हैं। मैं हमेशा यही बोलना चाहता हूं, हम देने वाले हैं आपको खयादत। हमारी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी
नासिर साहब ले, ये हमारे को यकीन है, ये उम्मीद है, इसलिए हम जमा होकर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है आपके बीच आकर, और इतने कसीर तादाद में इतने लोग आप हमारी माएँ और बहने पर्दानशी माएँ मेरे यहाँ बैठे हुए, यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है आपको रोज़गार दिलाने के लिए, ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे बड़ा मसला ये है कि रोज़गार नहीं है। रोज़गार के लिए मेरे दिमाग में, मेरे दिल में बहुत सालों से ख्वाहिश है कि हमारी पर्दानशी माएँ और बहनें घर में ही बैठकर, आपको ऐसा कम से कम महीने को एक 10,000 रुपये आपकी कमाई होना, आपके घर तक ही काम आपको मिलना। यहाँ पर आप टेलरिंग सीख रहे हैं और क्या क्या सीख रहे हैं, यहाँ पर मेहंदी वर्क सीख रहे हैं, इसके लिए तो आपको अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसे रोज़गार के बहुत सारे मौके हैं जहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैं आपके बीच में बात करने से पहले सबसे पहले ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं कम से कम जीत के आने के बाद 5,000 हमारी माँ और बहनों को रोजगार देने का मैं आपके बीच में वादा कर रहा हूँ, एक ख्वाब लेके चला हूँ। महीने तो 10,000 रुपये आपको अगर कमाई हो रही है तो आप बहुत ज़्यादा ताकतवर होने वाले हैं। ये अनंत का मामला कितने लोगों को मालूम है, पूरे को मालूम है? कितने औरतें जेल गए थे अनंत में? 10। कभी गुलबर्गा के तारीख में 10 औरतें जेल गए तो है क्या कभी किसी फसाद में? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार गुलबर्गा की कमजोर खयादत है, गैर जिम्मेदाराना खयादत है। दिल में सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस बोलते ना, वो मजबूरी के तहत काम करने की वजह से हमारी औरतें नौजवान जेल गई। मुसलसिल तौर पर ये हिंदुत्ववादी आरएसएस लोग, फिरका परस्त लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे? हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बातें हो रही हैं, हो रहे नहीं हो रहे? इनके सब चीजों के खिलाफ आपको एक आदमी लड़ता हुआ नजर आना चाहिए कि नहीं नजर आना चाहिए? आप चाह रहे हैं इन सब लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना कि नहीं देना? मुंह तोड़ जवाब देना नहीं? ऐसे हालात में मोहतरमा को वोट डालना क्या ये सही है क्या गलत है? मुसलमानों के शान के खिलाफ हो रहा है, मुसलमानों के इबादत घरों तक पहुंच गए, हमारी बच्चियों के लिबास तक पहुंच गए, हमारे खाने तक पहुंच गए, गोश्त खाना बंद होना, ईद आराम से मनाए हम। औरत मर्द नहीं, औरत अल्हम्दुलिल्लाह अगर सियासी है, मुस्कान जैसा जज्बा रखती है, शाहीन बाग के हमारी माँ और बहनों के जैसा जज्बा रखती है तो आगे बढ़े। इनके पास कोई सियासी समझ नहीं है, कोई सियासी ताकत नहीं है, बात करने की हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है। ऐसे लोग को साथ देना आज मिल्लत के खिलाफ नाइंसाफी है, मुसलमानों के खिलाफ आपका वोट जाने वाला है अगर आप वोट मोहतरमा को देंगे। गारंटी कार्ड लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं आप? ये सब धोखेबाजी है। इससे पहले क्या कर रहे थे मालूम है? 1,000 रुपये दो आपको प्लाट देते जीडीए में बोले थे, याद है? दो सवाल हम पूछना उनको जो गारंटी कार्ड ले रहे हैं ना, ये गारंटी कार्ड लिए इस वाले कुछ पैसे दे रहे हैं क्या? गारंटी कार्ड नहीं लिए इस वाले को पैसे देते हैं तुम बोल के वो पूछना, समझ में आ रहा? गारंटी कार्ड लेने की जरूरत नहीं, देने की जरूरत नहीं। कर्नाटका में कितने एमएलए हैं? 224। कितने? 224। शाबाश। 224 के अंदर हुकूमत बनने के बाद 224 के 224 नहीं जीतते, नहीं जीतने वाले हैं 224। जिसकी भी हुकूमत बनी तो उन्हें देते बोल रहे हैं, क्या देते बोल रहे हैं? 200 यूनिट फ्री चावल। आप कितना मिल रहा है? 3 किलो बड़ा को इतने बड़े बड़े बातें करे तो कैसा चलता जी? 5 किलो दे रही है से। नहीं, पहले 8 किलो कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर रहे, हमारी हुकूमत रहे, 8 किलो दे रहे थे, 2 किलो बढ़ाए, 2 किलो बढ़ाने को घर घर जाके उसको काट दिए तो क्या मतलब का है? मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि गारंटी कुछ भी नहीं है, मोहतरमा हारे तो भी ये मिलने वाला है। ये एक सीट ऐसी सीट है जहाँ पर मुसलमानों की हमारी अक्सरियत है। अक्सरियत बोलते क्या? वोट मुसलमानों के सबसे ज्यादा गुलबर्गा जिले में किसके हैं? यहाँ के हैं। अलंत के अंदर कुछ मुसलमानों के खिलाफ होता है तो यहाँ का एमएलए जाके लड़ना, मुसलमानों की हिम्मत बढ़ाने का काम, मुसलमानों की तहफ़ करने का काम यहाँ के एमएलए का है, समझ में आ रही बात? तो यहाँ का सीट की अहमियत यह है कि मुसलमान अपने लिए कौन आवाज उठा सकता है उसका फैसला करना है।
जनता दल सेक्युलर अगर जीत के आती है, 2000 बोल रहे हैं, हम कितने बोल रहे हैं 5000। मैं आपके बीच में ये सारी चीजें अपनी जगह आपको मैं वादा करता हूँ, 5000 हमारे खवातीन को रोजगार लगाने का आपको मैं वादा कर चुका हूँ, ये वादा है मेरा, इंशाअल्लाह ताला करके बताऊंगा मैं हमारी बहनों के लिए किस तरह से क्या हमारे माओ के हो सकता है। आपके जितने भी ये जो संघ के अंदर रहते हैं हमारी खवातीन, हमारी माएं, ये जो संघ के लोना ले रहे हैं, देखो हुकूमत बनने के 7 दिन के अंदर पूरे लोना माफ कर दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। पीने का पानी आपको कितने दिन में एक बार आ रहा, आपके भाइया पानी भरते हैं, केशवर भरते हैं, आप ही भरते हैं पानी? सबसे बड़ी मुसीबत आपकी चेने, रात में कितने बजे, 4 बजे नल छूटता है, उठते हैं केशवर आपके वालिद भाइया उठते हैं रात के 3 बजे आके सो जाते हैं, है नहीं? उठना तुम्हारे को, तुम्हें हैरान होना, 24 घंटे पानी देने का प्रोग्राम 10 साल से बोलते आ रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? मोहतरमार उनके 10 साल से हो रच नहीं हो, 3 साल के अंदर मैं जीत के आया, तो 3 साल के अंदर हर घर को नल का पानी आपको जो है 24 घंटे देने का काम करेंगे इंशाल्लाह। बड़े बड़े मार्केट हम निकल रहे हैं, मार्केट को जा रहे हैं, बाजार को जा रहे हैं, कहां तो टॉयलेट का फैसिलिटी है, कहीं पर भी टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, जहां जहां भी हो सकता है सरकारी टॉयलेट की फैसिलिटी खवातीन के लिए, आपको नए नए रोजगार के लिए, ये सारे स्कीम जो है मैं आपको करके देता हूँ। नहीं आपके जहन में कुछ ऐसा है प्रोग्राम, नासिर भैया ये कर सकते हैं आप, ये हमारे करके लिए जो बोल के बोले तो वो आइडिया भी मैं करके देता हूँ। गुलबर्गा की तारीख रही है, ये सीट पे वही जीतता है जो आप हमारी माए और बहने तायद करते, आपको 100% गारंटी दे रहा हूं मैं, बेवजह किसी मुस्लिम नौजवान के ऊपर जुल्म हो रहा पुलिस का, उस पुलिस वाले को उसको छठी का दूध याद दिलाने का काम आपका भाई, ये वादा, ये गारंटी, ये गारंटी देने देने के लिए आपके बीच में आए बोलना नहीं भाई, मुसलमानों के लिए हम जो है सब हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी, आज से ही आपका भाई इलेक्शन ठहरा हुआ है बोल के ये महसूस कर, अपनी जिम्मेदारी समझ कर आप लोग इलेक्शन करें तो 1000% इंशाल्लाह आपका भाई जीत गया था, उसके लिए आपके साथ की जरूरत है, आप सब लोग साथ देंगे, हाथ उठा के बोलो साथ देंगे, वादा है पूरा का, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। सौ चांद भी आए जाए तो महफिल में वो कोई बात नहीं होगी, सिर्फ आपके आ जाने से महफिल में रौनक आ गई। आप गुलाब का फूल बन जाओ, क्योंकि फूल के हाथ, फूल उस हाथ में भी खुशबू छोड़ जाते हैं जो इसे मसल कर छोड़ जाते हैं। हमारी महफिल में लोग बिना बोले आते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत फूल से नहीं दिल बिछा कर किए जाते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। मैसेल्फ फिरदौस, हम मोहम्मद कपड़ा रोटी बैंक इंस्टीट्यूट से बोल रहे हैं, ये मोहम्मद कपड़ा रोटी बैंक इंस्टीट्यूट है, हमें फ्री कोचिंग दे रहे हैं, उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, नईम सर का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, नईम सर जो हैं जो ख़वातीन घर में बैठे हैं उनके लिए फ्री कोचिंग यहाँ पर मेहंदी और टेलरिंग का सेंटर खोले हैं, यहाँ आकर हम अपना टाइम देकर कुछ सीखने को मिलता है और हम सेल्फ इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, ख़वातीन हम कुछ कर नहीं सकते बोलकर ऐसा नहीं है, हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, हम किसी से कमी महसूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। नईम सर का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, यहाँ ये इंस्टीट्यूट में हम जो सीखे हैं उसे हम अपना ओन बिजनेस भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं, और इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं जो हमें ट्रेन कर रहे हैं, कोऑपरेटिव टीचर्स हैं, बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सिखाए हैं, हम नईम सर के साथ साथ नासिर हुसैन उस्ताद सर का भी शुक्रिया अदा करते हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह, वो कामयाब बने ये दुआ है। माय नेम इज़ तहसीन फ़ातिमा,
मोहम्मद रोटी कपड़ा मकान बैंक है जो सेंटर और मेहंदी के लिए अच्छा दिया जा रहा है। कुछ सीख के हासिल करके जा रहे हैं बच्चे यहाँ से, और जो नासिर उस्ताद यहाँ पर आए थे और उनको हम कामयाब बनाएंगे और उन्हों हमारा साथ देंगे। मेहंदी और सेंटर वाले बाजी की तो तारीफ़ कितनी भी करो कम है वो बाजियों की। जो गरीब बच्चे हैं, जो घर में बैठे हुए थे, जो टेंथ पढ़ कर घर में बैठे थे, वो भी आकर कुछ हासिल कर कर गए हुए हैं यहाँ से, और कुछ बनेंगे, कुछ करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। नासिर उस्ताद जिंदाबाद।